केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चंडीगढ़ दौरा होने वाला है। अब से थोड़ी देर बाद सुबह तकरीबन 10:30 बजे राजनाथ सिंह एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री आज चंडीगढ़ में उद्घाटन करने वाले हैं MiG-21 के कॉकपिट का जायजा भी लेंगे राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री के दौरे के चलते सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है चंडीगढ़ में। हमारे साथी अनिल मोर फोन लाइन पर मौजूद हैं। अनिल, रक्षा मंत्री का चंडीगढ़ दौरा है आज, वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन करेंगे इस दौरान राजनाथ सिंह, सुरक्षा बढ़ा दी गई है और क्या क्या प्रोग्राम है आज रक्षा मंत्री के चंडीगढ़ में, अनिल तफसील से जरा बताएं। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज चंडीगढ़ के दौरे पर हैं। चंडीगढ़ के दौरे पर केंद्रीय मंत्री सुबह 10 बजे पहुंच जाएंगे, जो आज चंडीगढ़ को केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से कई सौगातें दी जानी है। रक्षा मंत्री की तरफ से चंडीगढ़ को आज कुल 3 बड़े जो प्रोजेक्ट है, जो सौगात है, वो दी जानी है। रक्षा मंत्री की तरफ से जो आज उद्घाटन किया जाना है, हेरिटेज सेंटर है वायुसेना का, वहां पर पहुंचेंगे रक्षा मंत्री और उनका उद्घाटन करेंगे। राजनाथ सिंह की तरफ से MiG-21 के जो कॉकपिट है उसमें बैठकर उसका जायजा लिया जाएगा। इसके अलावा हेरिटेज में जो म्यूजियम बना है उसका भी रक्षा मंत्री की तरफ से दौरा किया जाना है। और राजनाथ सिंह के दौरे को लेकर अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, अगर बात करें जो चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से, चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से जो कड़ी व्यवस्था है वो की गई है। शहर में जो कई रूट है, कई रूट को डायवर्ट किया गया है, जगह जगह पर जो सुरक्षा कर्मी वो तैनात किए गए हैं और जो लोगों को परेशानी ना हो, क्योंकि लोगों की परेशानी को देखते हुए चंडीगढ़ में, जैसे मैंने आपको बताया कि कई रूट डायवर्ट किए गए हैं, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। यानी काफी अहम प्रोग्राम है आज रक्षा मंत्री का, केंद्रीय मंत्री का ये दौरा कई मायनों में अहम है। अनिल, सुरक्षा की दृष्टि से तो तमाम तैयारियां आपने बताई, क्या शाम तक रहने वाले रक्षा मंत्री यहाँ पर आज? देखिए, फिलहाल जो कार्यक्रम जारी किया गया है राजनाथ सिंह का, उस कार्यक्रम के तहत 10 बजे के करीब जो राजनाथ सिंह है चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे। उसके बाद सीधा वो सेक्टर 18 की जो सरकारी प्रेस इमारत है वहां पर जाएंगे, वायुसेना हेरिटेज सेंटर पहुंचेंगे, उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वहाँ जो म्यूजियम है उनका दौरा रक्षा मंत्री की तरफ से किया जाएगा। तकरीबन 2 घंटे का ये कार्यक्रम है। दोपहर का लंच का भी कार्यक्रम है, जो दोपहर लंच राजभवन में करेंगे। इसके अलावा राजनाथ सिंह की तरफ से एक गौशाला का भी उद्घाटन किया जाना है रायपुर कला में। उस गौशाला के उद्घाटन का समय जो तकरीबन है वो 1:45 बजे का रखा गया है। जिस वायुसेना हेरिटेज सेंटर का आज उद्घाटन करने वाले रक्षा मंत्री अनिल मोर, इसकी खसूसियात क्या है, यहाँ किस मायने में इसकी अहमियत समझ सकते हैं? देखिए, रक्षा मंत्री की तरफ से वायुसेना हेरिटेज सेंटर का जो उद्घाटन किया जाना है, जो ये सेक्टर 18 की जो सरकारी प्रेस इमारत है वहां पर ये बनाया गया है। राजनाथ सिंह तकरीबन 2 घंटे वहां पर गुजारेंगे। जो म्यूजियम वहां पर बनाया गया, एक बड़ा म्यूजियम, एक हेरिटेज म्यूजियम वहां पर बनाया गया, रक्षा मंत्री उस म्यूजियम का भी दौरा करेंगे और कहीं ना कहीं रक्षा मंत्री की तरफ से जो MiG-21 की जो कॉकपिट है उसमें बैठकर कहीं ना कहीं जायजा लेंगे। और अगर खासतौर से वायुसेना हेरिटेज सेंटर की बात करें, इसमें काफी खास बातें रहने वाली है। अगर भारत की जो वायुसेना के तरुणीम इतिहास की बात करें, उस तरुणीम इतिहास की झलक इस हेरिटेज सेंटर के जरिए देखने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया आपका अनिल मोर, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच आपको बता दें कि रक्षा मंत्री के चंडीगढ़ दौरे की खास बात क्या है वो हम आपको अब ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। दोपहर 12 बजे एयरफोर्स के अधिकारियों के तरफ से हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन करने वाले हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इस दौरान पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। दोपहर 12:20 पर रक्षा मंत्री प्रशासन के अधिकारियों से मीटिंग करेंगे चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारियों के साथ। एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर के उद्घाटन के बाद पूरे सेंटर का जायजा लेंगे रक्षा मंत्री। यहाँ आने के लिए मोबाइल ऐप के माध्यम से बुकिंग आज से ही शुरू हो जाएगी। ये पूरे कार्यक्रम का लेआउट है जो आपको बता रहे हैं। रक्षा मंत्री के साथ एयरफोर्स के कई VVIP भी मौजूद रहेंगे। एक दिन में 75 लोग सिमुलेटर पर फाइटर उड़ाने का अनुभव हासिल कर सकते हैं। इसकी फीस 295 रुपए। लोग यहां सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक आ सकेंगे, तो ये बड़ा अपडेट आप अपने TV स्क्रीन पर देख रहे हैं।